हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जीडीसी क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी में फार्मेसी फील्ड की बहुत दिनों के बाद ओपन वैकेंसी आई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ड्रग एनालिस्ट यानी कनिष्ठ विश्लेषक की जॉब आई हुई है और ये अच्छी खासी पोस्ट आई हुई है और ऐसे मौके आपको पता है बार बार नहीं आते। तो मुझे उम्मीद है कि जिन भी बच्चों ने पहले पेट एग्जाम क्वालिफाई कर रखा होगा उन्होंने इसका फॉर्म फिल किया होगा। और अब बात आती है इसके तैयारी को लेके। तो अगर आप यूपीएससी ड्रग एनालिस्ट की तैयारी की कोशिश अगर आप यूपीएससी ड्रग एनालिस्ट की तैयारी करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी कुछ समझने और सीखने वाला होने वाला है। जीडीसी आपको लेके आ रहा है कम समय में हम अपनी पूरी और कंप्लीट अच्छी तैयारी कैसे करें, उसके लिए जीडीसी लेके आ रहा है क्रैश कोर्स फॉर द ड्रग एनालिस्ट। जरा एक बार सबसे पहले हम पेपर पैटर्न और बाकी चीजों के बारे में समझते हैं। देखिए, इसका जो अभी डेट तो नहीं आई है कि पेपर कब होगा, बट उम्मीद करके चलते हैं कि हाँ विद इन 3 to 4 months में आपको इसका एग्जाम देखने को मिल सकता है। इसमें एक पेपर होगा 100 questions के, 100 questions का एक पेपर होगा और जो 100 questions होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेसिस पे होने वाले हैं। और इसमें जो आपको टाइम दिया जाएगा वो 2 hours यानी 120 मिनट्स का टाइम होगा, यानी पेपर 2 घंटे का होगा। हर सही आंसर पे आपको 1 marks मिलेगा और हर गलत आंसर पे 1/4 यानी 0.25 marks का डिडक्शन किया जाएगा, यानी निगेटिव मार्किंग भी 1/4 की होने वाली है। सो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी एक्यूरेसी, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप कितना कंसिस्टेंट अपना पढ़ाई और रिवीजन कर पा रहे हैं। अच्छा, क्या आपने सिलेबस इसका एक बार देखा? जरा एक बार समझिएगा, जो एग्जामिनेशन प्लान होने वाला है, ये जो 100 MCQs हैं 100 marks के, ये कैसे डिवाइड किए गए हैं? सबसे ज्यादा एज इट्स ड्रग एनालिस्ट तो इसलिए सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो एनालिसिस से होने वाले हैं, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। और ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बैच हमारा जो क्रोमेटोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपी दोनों का सिलेबस इंक्लूड किया गया है, 20 questions 20 marks। लेटर ऑन फार्मास्यूटिक्स से 15 questions होंगे 15 marks के, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से 15 questions 15 marks के होंगे, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के 5 questions होंगे 5 marks के, फार्माकोग्नोसी एंड फार्माकोलॉजी से 5 questions होंगे 5 marks के। सो ये हमारा पार्ट वन होगा। पार्ट टू की बात करेंगे जहां पे कंप्यूटर नॉलेज, नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन दिस फील्ड क्या क्या हुए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, वो 15 questions होंगे 15 marks के। एंड थर्ड पार्ट जो होगा वो जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, केवल यूपी का जो GKGS है यूपी से रिलेटेड, 20 questions 20 marks के होंगे। सो टोटल एडिटिव हमारा ये हो जाने वाला है, दैट इज द 100 questions 100 marks का होने वाला है। और ये जो निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन दिया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टेस्ट में प्रॉपर कंसिस्टेंट होके अपने इस टेस्ट को फॉलो करें। चलो एक बार पैटर्न, अब ये तो हमने पैटर्न समझ लिया, कितने क्वेश्चंस के सब्जेक्ट से आएंगे ये देख लिया, जरा एक बार सिलेबस देखा जाए। अगर हमने बात किया फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का, अब आप यहाँ पे देखिएगा डिफिनेशन एंड स्कोप, डिफरेंट टाइप टेक्निक्स ऑफ द एनालिसिस, लिमिट टेस्ट, टाइट्रेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस, GLP, कैलिब्रेशन, वैलिडेशन, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, UV, IR, फ्लेम, TLC, गैस क्रोमेटोग्राफी, HPLC, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जेल क्रोमेटोग्राफी, इवन अगर मैं यहीं पे बात करूंगा होम्योपैथिक मेडिसिन, हमारा कॉस्मेटिक्स रूल्स, यानी अगर आप देखोगे ना यही एनालिसिस में ही हमारा ड्रग रूल्स, यहां से अगर आप यहां तक का देखोगे ना, ये थोड़ा बहुत हमारा ज्यूरिसप्रूडेंस से रिलेटेड, जहां पे हम बात करेंगे लेबलिंग पैकेजिंग, कॉस्मेटिक रूल्स की बात करेंगे, लेबलिंग पैकेजिंग हमारा, मेडिकल डिवाइसेस की बात होगी, इन सभी को भी यहां इंक्लूड कर दिया गया है थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट पे। फार्मास्यूटिक्स की बात करेंगे, पोसोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, जहां पे pH, बफर, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, डोजेस फॉर्म, पाउडर, लिक्विड, सेमी सॉलिड, टैबलेट, कैप्सूल, सारी चीजें इंक्लूड की जा रही हैं। ऑफ्थाल्मिक प्रिपरेशन, मतलब यहां पे अगर आप देखोगे ना मेनली ये फार्मास्यूटिक्स में फार्माटेक वाला पोर्शन है, डोजेस फॉर्म से रिलेटेड है, या बायोफार्मास्यूटिक्स से मेनली हमारा अगर हम बात करेंगे फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी, फिल्ट्रेशन, बायोअवेलेबिलिटी, बायोइक्विवेलेंस से रिलेटेड।
फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे इनऑर्गेनिक और मेडिसिन हमारा दोनों पूरा इंक्लूड किया जा रहा है। माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री लगभग पूरा सिलेबस यहाँ इंक्लूड कर दिया गया है, 5 questions का ही है, लेकिन पढ़ना तो हमें सारी चीजों को पड़ेगा। फार्माकोग्नोसिस, फार्माकोलॉजी, अच्छा फार्माकोलॉजी में भी पूरा डिटेल में नहीं दिया गया है, बायो इससे मेनली यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है और वो रिलेटेड टू द ड्रग, क्योंकि ये एनालिसिस का पोस्ट, एनालिस्ट का पोस्ट है, तो यहाँ पे बायो इससे के अंतर्गत ड्रग का जो एनालिसिस किया जाएगा उनसे रिलेटेड यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन बनेगा। फार्माकोग्नोसी में क्वालिटी कंट्रोल है, क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी है, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड है, जो हमारा बेसिक जनरल फार्माकोग्नोसी वाला पार्ट है, उससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेंगे। वहीं अगर मैं कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द कंप्यूटर की बात करेंगे, वहां पे WWW क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट कौन कौन से हमारे डिवाइसेज होते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, या ईमेल आईडी, ऑपरेशन ईमेल, प्रिंटर, टैबलेट, मोबाइल, इन सारी चीजों से रिलेटेड यहाँ पे थोड़ा सा आईटी वाले फील्ड से क्वेश्चन मिलेंगे। और थर्ड पार्ट जो हमारा है रिलेटेड टू द जीके जीएस ऑफ द उत्तर प्रदेश, ओनली यूपी की बात किया जाएगा, और यहाँ पे जियोग्राफिकल क्लाइमेट, उत्तर प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, सारी चीजों से रिलेटेड ये टोटल टॉपिक सिलेबस आपका होने वाला है इस एग्जामिनेशन का। तो थोड़ा सा हटके सिलेबस है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं सिर्फ फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहा हूं या मैं जीपैट की तैयारी किया हूं तो मैं इस सिलेबस को कंप्लीट कर लूंगा, मैं थोड़ा सा आपसे कहूंगा थोड़ा स्पेसिफिक हो जाइए। इस सिलेबस का जो कंप्लीट पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया गया है, आप वो भी एक बार चाहो तो डाउनलोड करके खुद से उसको एनालाइज कर सकते हैं। और इसी के लिए स्पेसिफिकली फॉर द ड्रग एनालिस्ट ऑफ द यूपी ट्रिपल एससी के लिए जीडीसी कोर्स क्रैश कोर्स लेके आया है, जहां पे आपको लाइव क्लासेस, इन टॉपिक से रिलेटेड रिकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर, और हाँ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये सारी चीजें इंक्लूड की गई हैं एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस। ये कहां पे आपको ये क्रैश कोर्स मिलेगा, जीडीसी क्लासेस ऐप पे आपको ये क्रैश कोर्स मिलने वाला है। और इसमें टाइम ना वेस्ट करते हुए 2 अक्टूबर से, जी हाँ 2 अक्टूबर शाम 6 बजे इसका ओरिएंटेशन क्लास भी होने जा रहा है। सो बिफोर दैट मेक श्योर यू ज्वाइन फॉर द 361 पोस्ट, जो काफी अच्छे नंबर है। अगर थोड़ा सा भी आप सिंसियर है, देखिए पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स पैट की वजह से, जो प्राइमरी एडमिनिस्ट्रेंट हमारा है उसकी वजह, टेस्ट की वजह से काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी छट गए हैं, तो जो इसके लिए प्रॉपर क्वालिफिकेशन रखते हैं और आप अगर इसकी तैयारी करने जा रहे हो तो ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए लग जाइए, अच्छे से करिए। कोई भी अगर डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में पुट करिए, हम जरूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो मिलते हैं आप सभी से नए पार्ट में, नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट में। थैंक यू सो मच टू ऑल, थैंक यू।